सिंह नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है आपने? नहीं, कल शाम को मैं 6 बजे तक यहीं पर थी, तब तक तो कोई नहीं आया था। यहाँ पर किसी पंजाबी का फ्लैट है? नहीं मैडम। यहाँ 7th टावर में 17C में कौन रह रहा है? 17C में वेंकटेश अय्यर और उसकी फैमिली है, पर पिछले 2 हफ्तों से वो यहाँ पर है नहीं। वो अपनी बेटी के घर त्रिची में गए हैं, इसलिए फ्लैट पिछले 2 हफ्तों से तो लॉक्ड है। तुम्हें क्या लगा कि तुम झूठ बोलकर बच जाओगी? अगर ज्यादा होशियारी दिखाना तो दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। रुक जाओ, हमने सारे CCTV फुटेज चेक कर लिए। जैसा आपने कहा, वहां कोई पंजाबी आदमी नहीं आया था। उसके बाद जब हमने फ्लैट की सिक्योरिटी से पूछताछ की तो बार बार तुम ही अंदर बाहर आ रही थी, उन्होंने बताया, पर तुम्हारे साथ कोई आया ये किसी ने नहीं देखा। सर, मैडम यहाँ से सुबह 7:45 पे निकली थी, बाद में वो तकरीबन 12 बजे टैक्सी कार से वापस आई थी। सर, उस वक्त उसके साथ कोई था क्या? नहीं सर, वो अकेली ही आई थी। कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था सर। उसके बाद वो वापस कब आई? तकरीबन 5 बजे आई थी, तब बहुत बारिश हो रही थी। उस वक्त मैडम के साथ कोई नहीं था? नहीं सर, उस वक्त भी उनके साथ कोई नहीं था। कुछ देर तक वो पार्किंग में रुकी और फिर वापस चली गई सर। मुझे याद है सर, कंफर्म है मैडम। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? सर, सर मैं सच कह रही हूँ सर, कल वो आदमी मेरे घर पर आया था। सर, मेरी बच्ची को देखने के लिए एक केयरटेकर भी घर आती है, उसने भी कल लकी सिंह को देखा था। वो दोनों मिलकर कुकिंग भी कर रहे थे। उनका नाम क्या है? दुर्गा। उसका नाम दुर्गा है मैडम। उसका नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, हाँ, है ना मैडम। तुम्हारा नाम क्या है? दुर्गा है मैडम। हिंदी समझ लेती हो ना? हाँ थोड़ा समझ लेती। क्या? थोड़ा थोड़ा समझ लेती हूँ। अच्छा, तो तुम 11 महीनों से वामिनी के घर पे आया का काम करने आती हो, सही है ना? मैं बच्ची का ख्याल रखती हूँ। कल उनके घर पर कोई आदमी आया था क्या? कल हाँ, कल एक आदमी आया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला। उसका नाम था लक्की सिंह। हाँ, पंजाब से आया था वो मैडम। पुलिस पूछेगी तो यही कहना, ऐसा वामिनी ने कहा है ना? अरे रे, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मैडम, सच कह रही हूँ। ठीक है। अच्छा, वो लक्की सिंह आदमी कैसा है, देखने में कैसा लगता था? मुझे तो वो पहले से ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने मैडम को बताया था ये। मुझे तुम्हारी बात ठीक नहीं लगती। वो आदमी तुम दोनों के अलावा किसी और को बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? हाँ, वो आदमी उस फ्लैट में कब आया कब गया किसी के पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, वो आदमी आया था और हम दोनों ने साथ में खाना भी बनाया था। घर पर आने से पहले वो मैडम के साथ एक एडवोकेट से मिलने के लिए गया था। अगर आप एक बार उस एडवोकेट से बात करेंगे तो सब पता चल जाएगा। आपने जो लक्की सिंह के बारे में बताया, क्या उसके साथ आप किसी से मिलने गई थी? हाँ, गई थी सर, और उनका उनका नाम एडवोकेट नायर है। वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस के पास ही उनका ऑफिस है। लक्की सिंह को वो बहुत अच्छे से जानते हैं सर। सर। हाँ। नमस्ते। क्या तुम इन्हें जानती हो? सर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ, सर मैं वासवन हूँ, पेशे से वकील हूँ। नहीं नहीं सर, सर ये वो एडवोकेट नहीं है सर। मैम, ये वो नहीं है मैम, ये वो एडवोकेट नहीं है मैम। मैम मैम, मैं सच बोल रही हूँ मैम, प्लीज ट्रस्ट मी मैम, प्लीज मैम, सर मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज प्लीज मैम। आपने जिस तरह कहा, हमने पैसेंजर लिस्ट पूरी तरह चेक करके देखी,
उसमें लकी सिंह नाम का आदमी न कभी आया और न कभी गया। तुम्हारे पति को मारने वाली तुम ही हो। इसके बारे में सारे सबूत हैं हमारे पास। हमें सिर्फ एक बात बताओ, उसके बच्चे का तुमने क्या किया? कहीं रखा या मार दिया उसे? नो, 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 नो। सर, सीनियर इंस्पेक्टर हमारे साथ रहेंगे सर। ओके सर। सर। हाँ, क्या हुआ? ऑल सेट। मैंने मैजिस्ट्रेट साहब से बात की, वो घर पर ही है। सर। हम्म। I don't know but something seems wrong sir। सारे सबूत उस लड़की के खिलाफ हैं। But I feel she is innocent। Why? एक क्राइम होने के बाद भी उस क्राइम को छुपाने के लिए किसी भी तरीके की बॉडी लैंग्वेज मुझे दिखाई नहीं दी सर। प्यूपिल डायलेशन भी नहीं। आई नो दैट, पर हम कर भी क्या सकते हैं? सारे सबूत तो उसके खिलाफ ही इशारा कर रहे हैं।